जपेंद्र, एक बात बताएं सर, आप ये बागी को मना लिए आप लोग? जी देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में स्थिति संतोषजनक है। भारतीय जनता पार्टी में एक आध जगह ही ऐसी स्थिति है जहां बागियों के द्वारा समस्या खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो भी अंडर कंट्रोल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है, और निश्चित तौर पर जब कैडर आधारित पार्टी होने का भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से लाभ मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होता है। मतलब जितने भी उम्मीदवार, वैसे उम्मीदवार जो पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हुए, या तो निर्दलीय या किसी या इसी तरह से पार्टी को एक तरह से नीचा दिखाने के लिए, या प्रत्याशी को, अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए, कितना अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें जपेंद्र, तो अगर लगभग 12-13 की लिस्ट तो हमारे पास है, कितने लोग हैं जो चुनावी मैदान में आप लोग, तो कितने लोगों को मना लिया आपने? अगर एक भी छूट रहा है तो एक सीट पर बड़ा नुकसान हो सकता है ना आपको जपेंद्र जी? देखिए, निश्चित तौर पर आप आंकड़ों पे बात कर रहे हैं और हम जो है बिल्कुल फैक्ट्स, उन फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी तो आंकड़े ही काम करेंगे ना। जी, आप दो मिनट हमारी बात को सुने। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो और टिकट के और बाकी लोग भी थे जो लाइन में थे और उन लोगों का टिकट नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर थोड़े समय के लिए नाराजगी व्यवहारिक होती है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं मान चुके हैं। और जहां कुछ ऐसा लगता है कि भाई आपको कि नहीं ये लोग, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं उसका नुकसान होगा, निश्चित तौर पर ठीक है, कहीं ना कहीं उसका एक त्वरित नुकसान की दृष्टि से उसे ना देखा जाए, क्योंकि कैडर का खिसकना बहुत मुश्किल काम होता है और भारतीय जनता पार्टी का कैडर नहीं कैडर जपेंद्र, कैडर का खिसकना मुश्किल काम होता है, मैं भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब आपसे सहमत हूँ पूरी तरह से, लेकिन एक बात बताएं, फिर भी हर चुनाव में सिर्फ कैडर के आधार पर कोई पार्टी बड़ी जीत हासिल नहीं करती है, बल्कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों पर दरअसल नए वोट से एक बड़ी उम्मीद होती है किसी भी पार्टी को। अगर इस तरह से आपका वोट मटेगा, बागी चुनावी मैदान में रहेंगे, तो फिर कैडर वोटर्स आपके कितने भी रहें, दिक्कत होगी ना आपको। हम आपसे सहमत हैं, लेकिन यहाँ दो चीजों को समझना आवश्यक होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसी की नाराजगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं। कहीं कुछ ऐसा है कि जहां व्यक्ति के प्रति नाराजगी या किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के प्रति नाराजगी, तो ये बहुत छोटे छोटे इशू हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसी की नाराजगी नहीं है, भारतीय अच्छा कितने 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 एक मिनट जपेंद्र जी, मैं आंकड़ों पर ही बात करूंगा, तथ्य सब जो आप जो कह रहे हो ना ये तो अलग चीज़ें हो गई, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ। मुझे थोड़ा सही बताइए, चूंकि समय खत्म हो गया, आज के बाद आप मनाओ या ना मनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चुनावी मैदान में हैं वो अब रहेंगे, वो चुनाव प्रचार भी करेंगे और उसका बड़ा नुकसान भी किसी पार्टी को हो सकता है। आज तक आपके पास क्या आंकड़े हैं, कितने ऐसे बागी उम्मीदवार रह गए जो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ ही खड़े हैं? देखिए, आज नाम वापसी का अंतिम दिन है, और हमने जैसे शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में स्थिति संतोषजनक है। आज रात तक सारी तस्वीर आपके हमारे साथ हो जाएगी, और निश्चित तौर पर कल हम इस पे चर्चा करते हुए अच्छे भी लगेंगे।